Hi, I'm Archana Puran Singh, and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. बीच गोवा आपको तो पता है अर्चना जी गोवा कितना कपल्स फ्रेंडली है कपल्स यहाँ पे तो आप अगर मछली भी पकड़ो कांटा डाल के तो वो अकेली नहीं पकड़ी जाती किसी ना किसी केकड़े के साथ पकड़ी जाती है जिस हिसाब से यहाँ किसिस हो रही है मैं गोवा सरकार से अपील करना चाहूंगा कि बीचेस पे किस डोनेशन कैंप लगाए जाए ताकि जरूरतमंदों को भरपूर किसेस मिल सके खैर मैं यहाँ एंजॉय करने के लिए नहीं आया मुझे किसी ने फोन करके यहाँ पे बुलाया हेलो इंस्पेक्टर साहब हेलो मैं इस होटल की मैनेजर हूँ मैंने आपको फोन किया था हेलो मैं इंस्पेक्टर हूँ मैंने आपका फोन उठाया था सर आप मुंबई पुलिस से जी पर मैंने तो गोवा पुलिस को फोन किया था मैं मुंबई पुलिस में हूँ लेकिन मेरा 3 days and 4 nights का ड्यूटी लगा हुआ है गोवा में जी ऐसा कैसे हो सकता है अच्छा तुम लोगों को 3 days 4 nights का पैकेज मिल सकता है इंस्पेक्टर का लग गया तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है वाह मुझे एक बात समझ नहीं आ रही मैंने फोन तो गोवा पुलिस को किया था मुंबई पुलिस में कैसे लग गया मेरे पास दो दो फोन है ये देखो हाँ। ये मुंबई पुलिस का फोन ये गोवा हाँ। पुलिस का फोन बताओ इसमें से कौन सा मुंबई पुलिस का फोन है कौन सा गोवा पुलिस का फोन है ये गोवा और ये मुंबई नाना पाटेकर साहब इसको कभी अपनी फिल्म में ना लेना आप जो पूछते हो ना बताए इसमें हिंदू का कौन कौन सा मुसलमान का ये बता देगी फिर मजा नहीं आएगा फिर नहीं मजा आएगा मतलब क्या मतलब ही कहेगी आज सवाल पूछने शुरू कर दिए ये नहीं कोई चाय पानी कोई ठंडी बियर पूछ लो हमें ठंडी बियर एक यार दोस्त और आ जाए मैं ये बोतल खत्म कर दूंगा सर हाँ जी अब ऑन ड्यूटी बियर पियेंगे मतलब तुम्हारी 25 rupees की बियर के लिए मैं इस्तीफा दे दूं एक सेकंड बियर 25 rupees की नहीं 50 rupees की है हम आधी आधी पियेंगे ना और सुनो पैसे अपने अपने देने मैं कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ आप क्या मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है मैं यही चेक कर रहा था देखिए जी यहाँ पे एक कच्चा गैंग है जो हमारे गेस्ट के सारे सामान को चुरा के ले जाता है आप प्लीज उन्हें पकड़ लीजिए आप मुझे क्यों पकड़ रही हैं कच्चा गैंग हाँ कहीं वो लोग ये तो नहीं ऐसे दिखाइए पर इनमें तो इनकी शक्ल ही नहीं दिख रही शक्ल देखने लायक हो तभी दिखाएंगे ना हर किसी की शक्ल मेरे जैसे थोड़ी होती है तीखे नए नक्श आपको पता है चाकू वगैरह तो अब आए पहले मेरी मम्मी प्याज वगैरह मेरे नाक से काटती थी वेरी फनी तो इसीलिए थोड़ी ना ऐसे अवार्ड दिया आईटी ने Congratulations. Thank you. Congratulations. बहुत अच्छी बात है आप बताइए कि आप चोर को पकड़ेंगे या नहीं पकड़ देंगे बिल्कुल पकड़ देंगे पकड़ने में बहुत ज्यादा तेज हूँ एक बार तो आपको पता है हाँ. चोरी होने से पहले मैं पहुंच गया चोर कहता है मैंने तो भी चोरी की नहीं चोर मुझे देख के घबरा गया मैंने कहा मैं मुंह इधर कर लेता हूँ तू अपना काम कर फिर मैं तुझे पकड़ूंगा कैसी बातें कर रहे आपको चोर को रोकना चाहिए था ना रोक तो मैं लेता लेकिन उसके पास चाकू था तो आपके पास भी तो गन थी ना पहली लाइन एक मिस होगी मैं बताना भूल गया गन तो उसने मेरी आते ही छीन ली थी वो मैंने वापस 25,000 rupees में खरीदी उसी आदमी से पर मैंने उसको लूट लिया गन मेरी 50,000 की थी मैंने 25,000 में खरीद ली देखिए मुझे से कुछ लेना देना नहीं है आप कच्चा गैंग को पकड़िए कच्चा गैंग को मैं पकड़ लेता हूँ पहले मेरे को बताइए कि वो इलास्टिक वाला कच्चा पहनते हैं कि नाड़े वाला कच्चा ये मुझे कैसे पता होगा इसका क्या लेना देना है देखिए जॉब जस्टिफाई करनी होती है जॉब जस्टिफाई अर्जुन आपको तो पता होगा कुछ लोग आते हैं यहाँ पे
कुछ नहीं करते, बैठ के इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते रहते हैं। आजकल हमारा शो सोनी टीवी से ज्यादा इंस्टाग्राम पे आता है। मुझे पहले वारदात का वो मुआवजा कराइए। मुआवजा क्या होता है? इतना भी पता तुम्हें? पुलिस को बुला लिया? खैर पहले मुझे आप मौका है वारदात का मुआयना करवाइए। मौका है सबसे देखा उनको पता है। जेल में दिन काटे हैं, ऐसे थोड़ी नॉलेज है। चलिए सर मैं आपको बताती हूँ। कहाँ? होटल के अंदर। चलो चलिए सर आप चलिए। गोवा आए हैं, फगवाड़ा नहीं आए हैं, क्या चलना है? हाय थैंक यू बच्चा जी। सच्ची मैं बताऊं, मैंने कब से मन्नत मांगी थी कि अगर मैं गोवा जाऊंगी ना तो गोवा के पवित्र समुंदर में मैं डुबकी लगाऊंगी। तरह सोच समझ के, पता है समुंदर कितना गहरा है, कि मन्नत के चक्कर में जन्नत ही ना पहुंच जाओ। कितना प्यार करते हो ना मुझे। प्यार व्यार नहीं करते, मजबूरी है यार। क्या के 11 बच्चों के बाप को दूसरी बीवी आसानी से मिलती नहीं है। प्रॉब्लम थोड़ा इधर करो। क्या कर रही हो? क्या मजबूरी है? थोड़ा कंट्रोल में रहो वरना न कल गोवा के अखबार में खबर आएगी कि एक पत्नी ने गोवा बीच में अपने पति को बीच से चीर दिया। मुझे पसंद है मजाक। छोड़ो छोड़ो। दीदी। अरे दीदी 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 क्या कर रही हो? अरे यार। अरे जीजू दीदी हम गोवा आए हैं, इतनी रोमांटिक जगह आके आप झगड़ा क्यों कर रहे हो? ओहो सुन, अगर तेरे जीजा जगह देख के रोमांटिक होते ना तो आज हमारा एक ही बच्चा होता। सच्ची कह रही हूँ, अभी हमारा नाला व्यू है तो 11 बच्चे हैं। सोचो अगर सी व्यू होता तो ऐसे करके इकट्ठे करने पड़ते। थैंक यू तितली फॉर योर 11 अप्रिसिएशंस। बच्चा जी चलो ना वो लकड़ी के फट्टे पे ऐसे लेट के गोवा के समुंदर का लुत्फ उठाएं। नहीं 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 फट्टे पे नहीं, फट्टे में कहीं अगर हमारा टांग अटक गया तो लोग कहेंगे कि दूसरे के फट्टे में टांग अड़ा रहा है। ओए होए 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 होए। एक मिनट, इसको गोवा किसने बुलाया? जहां मेरी बुरी वहां उसका बुरा। ओ भूरी के भूरे। ज्यादा बोले ना तो भूरे से नीला कर देंगे। एक चंदू तुम एक टीसी के कपड़े पहन के क्यों गोवा में घूम रहे हो? ओ हेलो, मैं अंग्रेजों की तरह भूखा नंगा नहीं हूँ जो कच्चे बनियान में आ जाऊंगा। भारत का मैं अमीर नागरिक हूँ, रिच मैन। भूरी छोड़ो इनको, आओ हम गोवा के हॉट बीचेस देख कर आते हैं। एक मिनट, अगर तुम्हें हमारे साथ घूमना है सबसे पहले जाके अपने कपड़े बदल कर आओ तुम। भूरी तुम्हारे लिए तो मैं अपने मम्मी डैडी बदल सकता हूँ। हाँ तो करो। आज तक हमें लगता रहा कि तुम भाईयात आदमी हो, आज पता चला कि तुम महाभाईयात आदमी हो। ए बच्चा तुम आयो गोवा इसलिए मैं तुम्हें चिल करने दे रहा हूँ। अगर तुम कुरुक्षेत्र होते ना तो तुम्हारे क्षेत्र में मैंने ना कुरकुर कर देना था। भूरी मैं चेंज करके आता हूँ, तुम रेडी रहो। क्या बोल कर गया ये? सर
वेलकम टू गोवा. क्यूट है आपकी छोटी. हमें कबूल है. कबूल है मैं. ओए इधर आ. मुझे भी कबूल है. हमें भी कबूल है. एक मिनट. ये क्या कबूले कबूले लगा रखा है. अरे तो हम तो बस तुम्हारी बहन को छेड़ रहे थे यार. पहला जीजा है साली के होते हुए बीवी को छेड़ रहा है. साली जरा गौर से देखिए इस साली को. नहीं 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 ज्यादा गौर से मत देखिए कहीं आपका मूड खराब ना हो जाए. इस लड़की को इसका खुद का पति ना छेड़े जीजा क्या छेड़ेगा. सर अब गुस्सा छोड़िए. अब गोवा है चिल कीजिए. गुस्सा छोड़ तो नहीं सकते लेकिन आपके लिए गुस्सा पी लेते हैं. गुस्से को तो हम पी गए अब चिल कहाँ करना है बता दीजिए. मैं बताती हूँ कहाँ मिलेगी. आप अंदर आओ जरा. आपकी गरम सांसें मैं बंद करती हूँ. नहीं नहीं हम तो पूछ रहे थे. ये हार उतार हाँ और मच्छर लड़ेंगे ना जब पता लगेगा. हाँ ये हुई ना. चलो अरे हम बताओ बताओ बताओ. अरे जा रहे हैं. हेलो क्या कहा कच्चा गैंग वाले फॉरेनर का कच्चा उतार के ले गए. ओफो अर्चना जी ये अगर मुझे कच्चा गैंग वाले मिल गए ना इनको मैंने तार पे सूखने ने डाल दिया तो मेरा नाम भी शमशेर नहीं. बड़ा तंग किया हुआ इन्होंने. अच्छा होटल से शैम्पू तौलिया वगैरह साबुन वगैरह ये तो चलो आप भी उठाती है पर ये बदतमीज लोग देखो टूटी खोल के ले गए. और आम टूटी नहीं वो जेट स्प्रे होता ना बोले वो वाला. अब मेरे को शेव करनी थी मेरे को समझ में नहीं आ रहा फुहारा कहाँ से लाऊं. वो तो अच्छा हुआ वो वेटरेस आ गई लड़की. मैंने कहा मेरे मुंह पे छींक मारो मुझे जाग बनानी नहीं तो कमाल हो रहा है. आई एम कंफ्यूज. गॉड इज सो काइंड. बहुत बहुत मुबारक हो सोनी टीवी की तरफ से आपको. क्यों इधर मेरा मुकेश खो गया है और आपको इधर मजाक सूझ रहा है. तो कोई बात नहीं गोवा है थोड़ी देर के लिए किसी और को बॉयफ्रेंड बना लो. नहीं मुकेश से पहले मैंने 5 लोग को बॉयफ्रेंड बना ले. हाँ एक तो उसमें से सांस भी लेता है जिंदा है. लेकिन मेरे को सिर्फ मुकेश ही लगेगा इंस्पेक्टर साहब. मुकेश ढूंढो ना मेरे लिए प्लीज. तुम्हारा डिजाइन देख के मेरे को वैसे तो आइडिया थोड़ा बहुत लग गया है कि मुकेश कैसा दिखता है. फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए जरा बता दो कि उसका हुलिया कैसा है. बहुत अच्छा था मुकेश. अच्छा पहली नजर में हम लोग को प्यार हो गया था. दूसरी में इकरार. और तीसरी में. तीसरी में वो फेल हो गया था इसलिए उसको स्कूल से निकाल डाला. लेकिन उसने मेरे को दिल से नहीं निकाला है इंस्पेक्टर साहब. मेरे को प्लीज मुकेश ढूंढो ना. आप ढूंढोगे ना मैं आपको फ्री में मसाज देगी. फ्री में मसाज तो हम वैसे ही ले लेते हैं. ये पास बना हुआ ना हमारा. एक बात बताओ जब वो गुम हुआ लास्ट टाइम उसने क्या पहना हुआ था. हाँ वो इधर क्या पहनते वो. टाई नहीं उसके पीछे क्या पहनते. शर्ट. हाँ और शर्ट के साथ क्या पहनते. पैंट. हाँ ये तीनों चीजें उसने नहीं पहनी थी सिर्फ कच्चा पहने लगा था उसने. तेरा मैंने तरबूज जैसा मुंह तोड़ दिया तेरा. पुलिस के साथ मजाक कर रही सीधा नहीं बता सकती थी कच्चा पहना हुआ उसने. हाँ तो हमारा फैमिली शो इधर हम सीधी बात नहीं कर सकते. इंस्पेक्टर साहब प्लीज ढूंढ दो ना उसको. वो बेचारा कच्चे में किधर किधर घूम रहा होगा वो. तो मेरे हिसाब से कच्चे वाला तुम्हारा बॉयफ्रेंड वही कच्चा गिरोह चला रहा है. मिल गया तो 10 साल के लिए अंदर. इस समय कहाँ होगा वो. कच्चा गिरोह चला ले रहे वो 10 साल के लिए अंदर होगा. माय गॉड अब क्या करूंगी मैं.
कच्चा प्लस आदमी प्लस चोर जैसी शक्ल वाला आदमी इज इक्वल टू कच्चा गिरोह। यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मुकेश को बचाने का इससे अच्छा आइडिया नहीं मिलेगा मेरे को। इंस्पेक्टर साहब, यही मेरा बॉयफ्रेंड है। सोना, ए सोना बीबी, कहाँ थे तुम? सपना, तुम मेरे भाइयों जैसी हो, तुम मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो गया? क्या सबूत है तुम्हारे पास? अरे सोना, सबूत तो शादी के बाद आते हैं ना। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। साले कच्चा गिरोह चलाता है? सर मैं तो ढाबा चलाता हूँ जी। कोडवर्ड है वो, कोडवर्ड। हाँ वो कच्चा गैंग ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल सकते ना। ओ, ऑन ड्यूटी पुलिस वाले के साथ कोडवर्ड में बात। ढाबे की आड़ में कच्चा गैंग चलाते हो, नोट किया जाए। हाँ नोट किया, कच्चा गैंग चलाता है, नोट किया। सर अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे साथ मुंबई चलिए, उधर मैं आपको अपना ढाबा दिखाता हूँ। अच्छा, मुंबई जाके लोग अमिताभ बच्चन का घर देखते, कटरीना कैफ देखते, मैं तेरा ढाबा देखूं, नोट किया जाए। हाँ नोट किया। ये क्या बार बार नोट करो, मैं आपकी कोई सेक्रेटरी नहीं लगी इधर पे, बार बार नोट करेगी आपका। जैसी तेरी शक्ल है तू सेक्रेटरी लग भी नहीं सकती। आधा लीटर तेल ले जाके अंग्रेजों की मसाज कर, चल। अरे वाह साहब, एकदम सही पकड़े, मेरा उधर मसाज पार्लर ही है। देखा, कानून की जजमेंट कभी गलत हो ही नहीं सकती। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, कच्चा गिरोह का सरगना है, चल भी 6 साल के लिए अंदर। कौन सा सरगना सर? सपना बताओ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। तो बाबा सुबह मुझसे मीठी मीठी बातें कौन कर रहा था? वो तो मैं तुमसे पूछ रहा था, चाय में मीठा कितना लोगी? हाँ तो वो मेरे को किसने बोला था, मांग में सिंदूर कैसे डालते है? कौन सा मांग, कौन सा सिंदूर? मैं तो ये पूछ रहा था करेले में मसाला कैसे भरना है। अच्छा, अभी मेरी मांग तेरे को करेला में जला रही है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा प्यारा अधूरा रह गया। प्यारा अधूरा रह गया? हाँ। पुलिस आ गई थी? हाँ। एक सेकेंड चंदू, सुबह मेरे पीछे पड़े थे, अब इस सपनुली के साथ? बुरी, हमारे बीच में कुछ नहीं है। बकवास करता है, तुम दोनों के बीच में मैं हूँ। मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं तो इसके साथ घूमने के लिए आया था। बुरी बताओ इनको, तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और के साथ घूम रहा है और तुम खड़े खड़े मेरे मुंह देख रही हो? हाँ तो ये कौन सी जेनिफर लोपेज है, ये तो झिंगी के साथ ही जा रहा है घूमने के लिए। मतलब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस तोती के साथ घूमने जाए, इसका मतलब तुमने मुझे झूठ बोला था। नहीं नहीं, मेरे को फर्क पड़ता है इंस्पेक्टर साहब, यही मेरा बॉयफ्रेंड है। सोना बेबी, साले तेरा इसके साथ भी चक्कर है? इसके साथ भी नहीं, इसके साथ ही चक्कर है मेरा। एक सेकंड, इसका मेरे साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं है। एक मिनट, कंफ्यूजन बड़ी कर दी तुम लोगों ने। ये तुम्हें कैसे जानता है? ये मेरा पड़ोसी है, मेरे पीछे पीछे गोवा आ गया है। नहीं, ये मेरे पीछे पीछे गोवा आ गया है, समझे? चंदू, तुम इसके बॉयफ्रेंड कब से बन गए? मुझे तो ये नहीं पता चल रहा मैं किसका बॉयफ्रेंड हूँ, इसका हूँ या इसका हूँ। ये मुझे घास नहीं डालती और ये बिना वजह रोटियां बना बनाकर मुझे डाली जा रही है। मेरा सिक्स सेंस ये कहता है कि रोटी खा लो। और सुनो मेरी बात, तुम इधर हो जाओ, कोई दाल समझ के तेरे साथ चपाती ना खा ले, चलो। तुम इसकी रोटी खा लो, रोटी खाने से हड्डियां मजबूत होती, फिर तोड़ने में बड़ा मजा आता है, फिर जो कट 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 की आवाज आती है ना, ये आवाज जो है, फिर ये जो इंडियन आइडल वाली जो है ना, नेहा कट 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 उसके तक पहुंचेगी। बुरी, इनको बताओ कि मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, नहीं तो ये मेरे को जेल में डाल देंगे। अरे क्यों तू इस पे डोरे डाल रही है, क्यों सपनुली? अब तो सिर्फ डोरे डाली, बाद में बोरे डालेगी, फिर कंबल डाल के कूटेगी मैं इसको, समझी? ओए, तुम लोग क्या कानाफूसी कर रहे हो? नहीं सर, हम कानाफूसी नहीं, हम फूसी काना कर रहे थे। देख, फूसी काना। मेरे को बड़ी हंसी आई, सुनो मेरी बात, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की आपस में लड़ाइयां होती रहती हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना मुंह ढाके किसी और के साथ रिलेशनशिप बना लो। ये आए सही, ये अब तुम अपने सही गेटअप में आए हो, कच्चा बनियान चंदू का मुंह, ये तुम्हें सूट करता है, करेक्ट? ये है
तुम भी पूछ लगाकर अपनी भैंसे वाली लुक कंप्लीट करो। देखो यार, हम बच्चा हैं इसलिए बार बार हमारा बाप बनने की कोशिश मत करो, समझे ना? सपना है? तुम भी यहाँ आ गई यार, अगर तुम यहाँ पर हो तो हमारे मोहल्ले में कौन है वहां पर? और कहीं हमारे मोहल्ले को खाली देख के इंडियन आइडल वाले हमारे मोहल्ले पे कब्जा ना कर ले। और नहीं करते, अर्चना जी चौकीदारी कर रही है, वो तो सिद्धू जी को नहीं घुसने देती, इंडियन आइडल वालों को कहां से घुसने देंगी। अच्छा सपना, ये गोवा में तुम आई क्यों हो? मैं गोवा आई तो तेरे बागा बीच में इतना क्यों दर्द हो रहा है? अपनी बकवास बंद करो, पहले मुझे ये बताओ तुम दोनों में से ये किसका बॉयफ्रेंड है? सिंपल सर, मेरा बॉयफ्रेंड है। ये एकदम झूठ। अरे हमें पता है तुम्हारा सिर्फ एक बॉयफ्रेंड है और उसका नाम है मुकेश। सर हम आपको बताते हैं, ये मुकेश नहीं है, ये है चंदू। और ये जो है ये हमारी साली पे लाइन मारता रहता है और हमारी साली जो है वो इसे डंडा मारती रहती है। That's all my lord. लेडीज होके जेंट्स पुलिस के साथ झूठ। अभी मैं अंदर जाता हूँ, साड़ी पहन के आता हूँ, फिर तुम्हें पीटता हूँ। सॉरी साहब, क्या है ना, मैंने मुकेश को कभी गोवा में नहीं देखा ना, तो मेरे को मालूम नहीं वो गोवा में कैसा दिखता है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। तेरी कंफ्यूजन के चक्कर में मेरा फ्यूज उड़ने वाला था सपना, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। कमिश्नर साहब, कुतरा सपना। चलो भाई केस सॉल्व, मुबारक हो, जल्दी जल्दी ठंडी बियर मंगाओ। हम मंगाएं फिर हम। बधाई हो, बधाई हो, गॉड इज सो काइंड। हुआ क्या, क्या हुआ? सब चोरी हो गया, शैम्पू, तौलिया, फ्रिज, गैस और वो चाय बनाने वाली केतली, सब कुछ वो ले गया। नहीं लेकिन तितली, ये सारी चीजें तो हम लाए नहीं थे साथ में। अरे मैंने होटल से पैक की थी ना। आपको शर्म नहीं आती है हमारा सामान चुराते हुए? चुराया थोड़ी है, वो तो मैंने गोवा की निशानी समझ के रख लिया था। यहाँ तक कि चोर हमारे बच्चों के डायपर भी ले गया। क्या? हाँ। चोर हमारे बच्चों के डायपर ले गया? हाँ। आप देखना, वो चोर एक दिन बड़ी गीली और पीली मौत मरेगा। वैसे हमें बताओ दिखता कैसा था ये चोर? वो एक मिनट, ये वर्दी तुम ही पहन लो, सारे सवाल तो तुम ही पूछ रहे हो। मेरे को चूड़ियां पहना लो, ऋषि कपूर को बुला लो, मेरे हाथ में उन्होंने चूड़ियां करूंगा। है कहीं बेवकूफ आदमी कहेगा? अरे इंस्पेक्टर साहब आपको मजाक सूझा, यहाँ हमारा सामान चोरी हो गया है। एक मिनट, बड़ा चिल्ला के बोल रही है, तेरा कौन सा सामान था जो चोरी हो गया है? एक सेकंड, आप लोगों का सामान नहीं, मेरा सामान चोरी हो गया आप लोगों की वजह से। अरे तो आपका नुकसान तो हम भर देंगे ना। भर देंगे, अगर भरोगे तो भर भर के मार खाओगे मेरे से। Shut up! Hey! दिमाग खराब करके रख दिया मेरा, आधा दिमाग मेरा वो कच्चा गैंग ने खराब कर दिया, आधा इन्होंने, टोटल मेरा एक दिमाग खराब हो गया। ऊपर से सुबह से मेरी बोनी नहीं हुई अभी तक, चले जाओ यहाँ से मार मार के मैं। हट। अरे अरे तो हमारी क्या गलती है, बोनी नहीं हुई। चुप, कोई नहीं बोलेगा, वो देखो स्कूटर पे मेरा 500 रुपए आ रहा है। ओए, गाड़ी रुक। ओ, सर आपको लिफ्ट नहीं दे सकते, टू व्हीलर पे 3 लोग अलाउड नहीं है ना। सीट बेल्ट कहाँ है जो ऐसे लगी होती है? सीट सर, टू व्हीलर पे सीट बेल्ट कहाँ होता है? नहीं होता। कहाँ होता है वो? तो सर कार में होता है ना, है ना? कार में होता है? हाँ। तो कार क्यों नहीं लेके आए? अब मैं किस चीज का चालान काटूं? इंस्पेक्टर साहब, इसका हेलमेट कहाँ है? शट अप! हेलमेट कहाँ है? ये तो हेलमेट भी है इसके पास, अब किस चीज का चालान काटूं मैं? पर इसमें हेलमेट नहीं पहना हुआ है। शट अप! हेलमेट नहीं पहना हुआ है। <किस चीज़ का? laughs>
तुम लोग बोलते हो उसको आइडिया मिल जाता है. कोई भी आइडिया देना है मेरे कान में देना है, जोर से नहीं बोलना, ठीक है? नंबर प्लेट कहाँ है इसकी? नंबर प्लेट कहाँ है इसकी? इसकी नहीं उसकी, इसकी नहीं उसकी. सर उसकी नंबर प्लेट भी नहीं है, पीयूसी भी नहीं है, इंश्योरेंस भी. मेरा थप्पड़ तोड़ दिया तूने, तेरा बेड़ा घर को उधर इसको. साहब सुनिए सुनिए साहब, अरे कुछ भी नहीं है लेकिन हमारे पास आपके लिए कुछ है. क्या? धीरे बोलने वाला आइडिया काम कर गया. वेरी गुड गाइस, हैव ए सेफ लाइफ, गो सेफ. सर कच्चा गैंग, कच्चा गैंग, कच्चा गैंग. हाँ हाँ सर, हाँ सर. टाटू टाटू सिम टाटू. ओ टांगों पे कल्स डलवाए हैं. उसने 500 दिया, तेरा कहाँ है? एनीवेज गाइस, ये जो तूने पीछे टैटू बनवा रखे ना, ये सेम कच्चा गैंग ने भी बनवा के रखे हैं. कहीं गलती से तुम मत पकड़े जाना. चलो निकलो शहर. अरे 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 चलो चलो सर, टैटू नहीं है वही कच्चा गैंग था. हां तो तब क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताया? अरे तो बताने का कोशिश कर रहे थे आप, हमें सेटअप सेटअप कर रहे थे. कोई बात नहीं, हमारे यहाँ भागना बड़ा फेमस है. सीधा पकड़ देते हो तो उसमें बहादुरी कहाँ है? भाग के पकड़ेंगे, कौन कौन भागेगा मेरे साथ? तुम तो रहने दो. तुम इसके ऊपर बैठ जाओ, तुम मेरे साथ भागो. चलो चोर पकड़ा गया ठीक है, नहीं तो एक दूसरे को पकड़ेंगे. चलो आ जाओ चलो. एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए फिल्म सूर्यवंशी के लीड एक्टर्स और डायरेक्टर साहब का. प्लीज वेलकम मिस्टर अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ एंड मिस्टर रोहित शेट्टी. तो साथियों अक्षय सर, कैटरीना और रोहित सर तो हमारे साथ मौजूद हैं ही. अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे आज के स्पेशल मेहमान जो हैं, जो फिल्म सूर्यवंशी के प्रोड्यूसर भी हैं. तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम बॉलीवुड के बिगेस्ट राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिस्टर करण जौहर. करण सर आपका बहुत बहुत स्वागत है. आपका भी. You are looking very dashing, bro. Very, you are looking even more dashing, Kapil. Oh, thanks. You were always sexy. You were born sexy. Oh, God. करण सर आपका बहुत बहुत स्वागत है. और सबसे पहले तो मैं करण सर को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बिकॉज हमारे फिल्म जगत में इनके योगदान के लिए इस साल इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया. सर आपको बहुत बहुत मुबारक. करण सर सूर्यवंशी का ट्रेलर बड़ा कमाल का है जी. तो मेरा सवाल ये आपसे, ये जैकेट कहाँ से लिया सर? बड़ा खूबसूरत है. ये एक्चुअली सूर्यवंशी टाइप का ही जैकेट है. हाँ, मैं दो सिंगम पहन के आया हूँ. पर बड़े हैंडसम लग रहे सर आप. अरे भैया अभी इस उम्र में जो लग सकता हूँ लग रहा हूँ मैं. इससे बेटर अभी इसके बाद 3 साल के बाद कुछ डालना पड़ेगा चेहरे पर. अरे नहीं सर आप ऐसे ही नेचुरली लगो. यस यस आप मैं क्या बोलूं, आप बड़े हॉट लग रहे हो आज. जवानी का जोश आपके चेहरे पर दिख रहा है. अच्छा आपने करण सर की फिल्में देखी हैं, इनकी फिल्मों में रोमांस भर भर के होता है. कहीं पे भी, रेस्टोरेंट में, पहाड़ों में, गाड़ियों में, आपकी गाड़ियों में रोमांस होता है. ये हीरो हीरोइन को बाहर निकाल के गाड़ियां उड़ा देते हैं. आपका कॉम्बिनेशन कैसे बैठा सर? दिल का. रोहित का हमारा इंसानियत का कनेक्शन है, दिल का कनेक्शन है. हमारे जो फिल्म्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से. आई विश के मेरी फिल्म्स इनकी तरह होते, मैं और भी ज्यादा अमीर होता. क्योंकि इनको जो पल्स है ऑडियंसेस का, जिस तरह ये एक्शन, इमोशन, ड्रामा को पेश करते हैं, वो सिर्फ इनका क्राफ्ट है. सिर्फ यही करते हैं हिंदुस्तान में और यही जानते हैं. Wow.
अच्छा मैं सर तब भी बड़ा हैरान हुआ था जब बाहुबली आई ना, तो मैंने उसमें आपका नाम देखा, मैंने करण सर बाहुबली, मैं घुस जाता हूँ हर जगह कपिल। वही सर मैं मौके पे चौका जब मैं उस इस स्टेटमेंट का मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि कुछ हो रहा है और कुछ होने वाला है मैं घुस जाता हूँ। तो कैसे मतलब सर, आप टैलेंटेड ज्यादा है कि फ्लेक्सिबल ज्यादा है? मेरे फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत टैलेंट है। अच्छा आप सबने फिल्में देखते हैं तो आपको पता होगा अक्षय सर की धर्मा प्रोडक्शन के साथ, करण सर के साथ, ये मेरे ख्याल से एक साल में तीसरी फिल्म होगी सर जी, है ना? केसरी हो गई, फिर अपना गुड न्यूज हो गई, अभी सूर्यवंशी है। तो सर आपको क्या लगता है अक्षय भाजी, करण सर का टेस्ट बदला है कि आपका टेस्ट बदला है प्रोड्यूसर को लेकर, के उनका टेस्ट बदला हीरो को लेकर? मैंने बोला ना, मैं जहां मुझे मौका दिखाई देता मैं घुस जाता हूँ। मुझे देख लिया अक्षय कुमार नंबर वन सुपरस्टार बन चुके, मैं वहां चला गया। क्यों आ गई तुम्हारा इधर? पुलिस आ गया। कैसे हो भी? ओए मैं मार गई, मेरी सूर्यवंशी की टीम आई है। नहीं मेरा शेट्टू, नहीं मेरा शेट्टू, नहीं मेरे कैट्टू, कैट्टू इधर भी बुआ, जोरदार तालियां हो जाओ। इंडस्ट्री के इतने बड़े एक्टर डायरेक्टर हैं, तो एलकेजी के बच्चे शट्टू अक्षु क्या होता है ये सब? तो क्या हो गया इसको, तो मिर्ची लगती रहती है। हाय मेरे बच्चे हैं ये, तो फिल्में इन्होंने अब करनी शुरू की है। मैं तो उनको तब से जानती हूँ अर्चना बहन जी, जब ये डायपर पहन के घूमते थे। अब देखो बुआ के सामने कैसे स्टाइल मार के बैठा हुआ है। मेरा करनू सच्ची बड़ा स्टाइलिश होता था बहन जी, इतना स्टाइल। ऐ नहीं है ये अक्की ने बुआ को मोटी किया है। सच्ची कह रही हूँ, इतना स्टाइलिश होता था। आम बच्चे व्हाइट वाला डायपर पहनते हैं ना, लेकिन मेरा करनू मनीष मल्होत्रा से डिजाइन करवाता था डायपर, फूलों वाले। करने क्या आई है तू, तेरे पटाखे निकालू मैं? करने क्या आई है तू, पटाखे निकालेगा? मेरी सूर्यवंशी की टीम आई, मेरे बच्चे इतना काम करे, इतने सारे शो में जा रहे, तो पुआ कुछ खिलाए भी ना। लड़की एक ही आई है मेरी, कैटी बोतल है पुत, फटाफट मटर छील दे। अर्चना बहन जी 20 रुपए का भाग के पनीर लेके आओ गली से। पुआ ने फटाफट मटर पनीर बना देने, मैंने सूर्यवंशी की सारी टीम को फुलके और मटर पनीर खिला के भेजना है। आए नहीं मेरा अक्की पुत्र कैसे आइसक्रीम बन के बैठा हुआ है। आए नहीं बड़ा मेहनती बच्चा है अर्चना बहन जी। चाहे इधर मेरा बच्चा सूर्यवंशी के लिए आया, लेकिन दिमाग में अभी भी बच्चन बांडे ही चल रहा है। बता अक्की पुत्र और सब तिजोरी में सब लक्ष्मी बम्ब। तू ज्यादा फ्रैंक नहीं हो रही उनके साथ? पुत्र मैं क्यों ना फ्रैंक हूँ, मेरे को पता है मेरा और अक्की का रिश्ता चांदनी चौक के जूडो पराठे से है। जूडो पराठे नहीं, जूडो कराटे। नहीं नहीं हमारे जूडो पराठे ही है, क्योंकि वो मेरे जूड़े कर देता था, मैं उसके लिए पराठे बना देती थी। वो ना जूडो पराठे। और वो तो कहते वो तो है नहीं, एक लड़की जिस घर में जाएगी ना मटर ही छील देगी। आप लंदन में काफी बार रहे हो ना बेटे, तुझे क्यों जाना बुआ उधर? सारे के सामने पूछ ले, पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं। बता दूं फिर? बताओ। वो तेरा जो एक्स फूफा था ना, वो लंदन से था। हाय अक्की पुत्र अंग्रेज, हट्टा कट्टा बांका जवान, लेकिन करण पुत्र मेरा पहला अंग्रेज अधूरा रह गया। मेरा पहला अंग्रेज अधूरा रह गया। भारती जी आप रोइए मत, ये लीजिए। अब ये मटर देखना मैंने कितने लाखों में बेचने, कटरीना कैफ ने चिले। तेरा क्या अंग्रेजों से कनेक्शन, तू दिल्ली में पली बड़ी है? मैं बताती हूँ पुत्र, अंग्रेज पता कब आए थे? जब पहली बार भारत में कब्जा करने आए थे ना, मैंने करनू एक अंग्रेज पकड़ लिया, मैंने उस पे कब्जा कर लिया। सारे कह रहे थे साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, मैंने अंग्रेज का हाथ पकड़ा, मैं कहा यू स्टे बैक। और बुद्ध चैटी बुद्ध मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए, बैक टू बैक हिट देता जा रहा है, धरती मेरी माँ है पुत्र। वो सुनील शेट्टी का डायलॉग है। हाँ तो कोई नहीं, एक शेट्टी दूसरे शेट्टी को जाके बोल देगा और क्या। सुनील शेट्टी के कहने के लिए
चल वो तो मटर हो गए, मैं चलती हूँ। मटर, मटर पनीर तो खिलाओ उनको। तो ये अमीर लोग हैं, ये पनीर पनूर को कुछ नहीं समझते। ये तो वो लोग हैं दूसरों की शादियों में जाते हैं, शगुन डालते बिना खाए आ जाते हैं। और हम जैसे देखो अर्चना, हा हा हा, ये देखा हमारे जैसे जो लोग होते हैं ना, शादियों में जाते हैं 500 रुपया शगुन डालते हैं, 2100 का पनीर खा लेते हैं। 500 शगुन डाल के 2100 का कौन खाता है? कमो पुआ, ये क्या देख रहा है? ये पेट थोड़ी है, ये 150 शादियां है। सच्ची कह रही हूँ, एक दो फंक्शन तेरे भी है इधर। चल वो तो मैं चलती हूँ। आप लोगों को सूर्यवंशी की बहुत बहुत बधाई। वादा करो कि जब हिट होएगी तो जरूर आओगे फिर। 100% अग्गी बद, मैं तो हर 2 महीने बाद आई जाना। जोरदार तालियां बजाओ भी। चल पुत्त कप्पू, मैं चली हूँ। बाय पुआ। बाय पुत्त, चलो भी। अच्छा, आपने कभी अखबारों में, टीवी न्यूज में आप देखते होंगे, करण सर जो भी पार्टी थ्रो करते हैं, सारी हीरोइंस इनकी पार्टीज में आती हैं। हाँ। सर आपकी दोस्ती उनसे ज्यादा है कि हीरोइन के पास आपका कोई वीडियो है? मैं वीडियो ना डालूं तो बेहतर है। हमारे पास आपका एक वीडियो है। हाँ। जो हमने अपने मेहमानों को दिखाया। हाँ। तो उनकी रिएक्शंस क्या है मैं आपको दिखाना चाहता हूं सर। अच्छा करीना, आपके बारे में ये अफवाह है कि इंडस्ट्री की गॉसिप्स लेने के लिए आपका एक ग्रुप है जिसकी चेयरपर्सन आप है। हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं, प्लीज दिखाइए जरा। क्लिप में भी क्लिप चल रहा है, देखो टेक्नोलॉजी कैसी है। सपोज अगर आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, अच्छा, तो आपको हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जो कुछ एक्टर्स हैं उनको उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से मिनिस्ट्रीज देनी है, उनको डिपार्टमेंट देने हैं। हाँ, हाँ, आप काजोल जी की हेल्प ले सकते हैं। हाँ, गॉसिप मिनिस्ट्री करीना कपूर। क्या है कि उनका जो घर है ना वो एपी सेंटर है गॉसिप का। तो सुबह सुबह वो उठती है और क्या खबर लाए हो कि कुछ 10 कॉल जाते हैं। oh. और हर डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के पास जाते हैं, पीआर, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, असिस्टेंट, स्टाइलिस्ट, पीछे वाले, आगे वाले, बीच वाले, oh. सब वाले से उनका उनको खबर मिल जाता है। फिर जो उनको पता है, उनको कॉन्फर्मेशन की जरूरत है, फिर वो मुझे फोन करती है कि इज दिस ट्रू। तो फिर मैं अपने हिसाब से अगर मुझे बोलना हो तो बोल देता हूँ, वरना हम फोन पे डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बहुत एक ऑर्गेनिक सा एक प्रोसेस होता है। देख लो करीना, पर उन्होंने खुद कहा है कि कॉन्फर्मेशन करण जोहर के यहाँ से आता है। तो एपिसेंटर तो आप होती ना फोन करके इंफॉर्मेशन लेने में, एपिसेंटर है। एपिसेंटर तो करण जोहर है ना। बट आई एग्री विद करण। यू एग्री विद करण या एग्री विद मी? करण। करीना कपूर के बाद सारा इन्फॉर्मेशन इनके पास आता है, मेरे पास नहीं। बट करीना का करेक्ट है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। हाँ, एक ऐसा मतलब रात को मीटिंग हुई चेन्नई एक्सप्रेस के लिए शाहरुख से, किसी को नहीं पता था, आई थिंक करण न्यू अबाउट इट और कोई नहीं जानता। और अगले दिन सुबह मैं करीना के घर गया, शाहरुख को मिला। उसको सब पता है, उसको सब पता है जेन्युइनली। मैं तो बोलता हूँ मुंबई पुलिस से उसको हायर कर लो आप। मुझे लगता है कि उसका कोई सीसीटीवी कैमरा का कोई कनेक्शन है कि हर जगह हर किसी के घर में वो कैमरास होते हैं जो उसने लगाए हैं। और उसके घर में कोई कंसोल होगा जो वो देखती है कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हिंदुस्तान के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, जो उसके घर तक नहीं पहुंच जाती। बेबूगा है, मैंने एक्सपीरियंस किया। अक्षय पाजी को और भी बहुत जगह प्रमोशन के लिए जाना है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पहली अभी रिलीज नहीं होती, दूसरी रेडी करके बैठ जाते हैं। तो अक्षय पाजी को दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए जाना है। पाजी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, हम आपको मिस करेंगे, पर करण सर, रोहित सर और कैटरीना के साथ और भी बातें करेंगे। बाय बाबा, आई सी यू, आई सी यू लेटर। ओके रोहित, बाय बाय सर। All the best. Have okay. a safe flight. Thank you, Paji. Thank you, Paji. Love you, Paji. Thank you, Paji. All the best. Thank you very much, everyone. Thank you. Adrodi, Paji. Bye, Akshay. See you, Paji. अरे सूर्यवंशी की बहुत सारी शूटिंग जो है बैंकॉक में भी हुई है।
तो क्योंकि इतना सारा एक्शन था सर, इसलिए थे नहीं, इतना सारा एक्शन करते एक्टर थक गए हो, आप मसाज कराने ले गए उनको बैंकॉक ये रीजन था? नहीं, अगर मसाज कराना तो यहाँ ले आऊंगा ना ये... अच्छा एक और मैं आपको याद दिलाता हूँ, 26 साल पहले एक फिल्म आई थी अजय देवगन साहब और अक्षय पाजी की, सुहाग। उसमें रोहित सर ने अक्षय सर का बॉडी डबल किया था। सर वी आर सो प्राउड ऑफ यू, अरे बड़ी मेहनत की है और आज अक्षय पाजी को डायरेक्ट कर रहे हैं। और एक बार और मैं कहना चाहूंगा जी कि ये लेसर नोन फैक्ट है और ये लोग नहीं जानते, क्योंकि इन्होंने बॉडी डबल का काम किया था जो फैंटास्टिक है, और क्या जर्नी रही है रोहित शेट्टी की। लेकिन एक खासियत है रोहित शेट्टी में, क्या? वो अक्षय कुमार का जो वॉक है ना वो परफेक्टली कर पाते हैं। सर हो जाए, सर हो जाए, सर कानून डिमांड कर रहा है, कानून देखना चाहते हो आप तो अभी याद करना पड़ेगा सर, भाई कहां से आते हो, याद करना पड़ेगा यार, एक मिनट आप बुलाओ अक्षय कुमार, बुलाओ मैं जी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम वन एंड ओनली अक्षय कुमार। स्पॉट ऑन, देखा अक्षय कुमार क्या गया, सुपर रोहित शेट्टी खुल गया। सर अब आप सूर्यवंशी के प्रोड्यूसर हैं, तो हमारा कानून जो है वो चाहता है जी कि अगर करण सर कॉप होते, पुलिस इंस्पेक्टर होते, तो वो ये डायलॉग कैसे बोलते? सर ये कुछ डायलॉग्स हैं जो बहुत ही पॉपुलर हैं और पुलिस वालों के डायलॉग्स हैं, तो आपका जो मन करे सर दो तीन सुना दो सर दर्शकों को, तड़कते भड़कते अपने स्टाइल में। तहे दिल से मैं माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि मेरी शख्सियत में पुलिस ऑफिसर की पर्सनालिटी बिल्कुल बसी नहीं है। लाइन ये है, मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे जमीर में दम है। सिंगम का डायलॉग है, सिंगम का डायलॉग है। आली रे आली, आता तुझी बारी आली। ये मैं आपको बोल रहा हूं जी, हम तुम में इतने छेद कर देंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ली और पादे कहां से। वाओ, शुक्रिया सर, करण सर के लिए जोरदार तालियां। सर ये एक नई आइटम शुरू की है हमने सर, ये एक्चुअली आपको बताना है, यस और नो में आपको जवाब देना है। हम क्यों इसका इस्तेमाल कर रहे हैं जब जब हम बोल भी सकते हैं यस नो? सबको साथ में करना है, टाइमिंग एक साथ सब करेंगे। हाँ, ना यस हाँ। तो कभी हम लोग दरवाजा खोलते ना ऐसे, तो आवाज आती है उसमें से, तो आपने कभी दरवाजे को बार बार हिला के देखा कि आवाज कहां से आ रही है? कभी ऐसा नॉर्मल घरों में होता है? ये गरीबों के घर में होता है करण। ये तकलीफ आप दोनों नहीं समझ सकते। अच्छा फिर तो करण सर आपने वो भी नहीं पता होगा रोहित सर, और जो फ्रिज दरवाजा खोलते ना फिर उसको धीरे धीरे बंद करके देखते हैं लाइट कहाँ, कौन से पॉइंट पे जा नॉब होता है, कौन से पॉइंट पे जाके बंद होती है। हाउ क्यूट, मैंने कभी नहीं किया। हाउ क्यूट नहीं, हाउ पुअर। अच्छा कभी आपको फटाफट निकलने की जल्दी है और जल्दी जल्दी में आप गीली जींस पहन के निकले और बाद में बात कर रिलाइज हो आपको मीटिंग पहुंच के कि उफ ये तो गीली पहन के आ गए? ये कौन करता है? कभी कभी डर लग जाता है तो जींस गीले हो जाती है। घर से निकलते निकलते नहीं हुआ बट मैंने एक बार उससे कपड़े इस्त्री किए होंगे बहुत लोगों ने, लाइट चली गई घर में पतीले को गरम करके। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, क्या हाँ गरीबों के घर में ये भी होता है। जैसे अपने जो दिनेश है तो इसने भी ऐसा किया था पतीला करके, पर प्रॉब्लम ये पैंट पहन चुका था, बोलता पहने हुए घुमा दो। उसने जब पतीला घुमाया ना सर, इसके दोनों पतीले गर्म हो गए, सूज गए। अच्छा कभी फटे हुए सॉक्स ये सोच के पहने हैं कि ये कौन सा कुछ देख रहा है, पहन जाओ फटाफट अभी। हाँ, ये हुआ है मेरे। हाँ आपके साथ कटरीना? कभी नहीं हुआ?
तो अक्सर ये होता है, मतलब जहां जहां पे हो सकता है आप करते हैं ये सब चीजें। कभी ऐसा हुआ आपको किसी का दिया हुआ गिफ्ट पसंद ना आया हो और आपने आगे चिपका दिया? हमेशा होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डाउट आता है कि ये बंदे ने तो नहीं दिया था। अरे यार कहीं मैंने एक बार ऐसा किया है कि किसी ने मुझे गिफ्ट दिया था जो मुझे बेहद बुरा लगा था और मैंने कहीं स्टोरेज में डाल दिया और दो साल पहले मैंने उसी इंसान को वो वापस गिफ्ट भेज दिया। इसी के साथ ही हमारे यस नो वाले सवाल खत्म होते हैं। अच्छा मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि रोहित सर की नेक्स्ट फिल्म जो है करण सर ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए कैटरीना जो है वो फाइनल हो चुकी है। नेक्स्ट फिल्म है ये, अभी सीक्रेट है टाइटल, लेकिन हमें एक रोहित सर की चेहरे जरा देख लीजिए। नहीं मैं नेक्स्ट फिल्म कर रहा हूं वो ओके, बट आगे का? हां तो वो ऐसा है कि कैटरीना जो है उस रोल के लिए फाइनल है, तो हमें तलाश है देवी और सजनों एक ऐसे युवक की जो अच्छा रोमांस कर सके कैटरीना के साथ, जचे बड़े पर्दे पे। तो आप लोग अगर ऑडिशन देना चाहते हैं आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, यहीं के यही फैसला हो जाएगा ताबड़तोड़। एक एक करके आप मंच पे आ सकते हैं जी प्लीज। कैटरीना तो शुरुआत कानून से करते हैं जी, आइए आप मंच पे आइए, आगे आना पड़ेगा आप तो कैटरीना आगे जाइए। आपको वन बाय वन सर, आप तो वाइफ के साथ नहीं आए थे? नहीं आए इसलिए तो आए इधर। तो आपको कैटरीना के पास आके पूरा फील करने की आप इस फिल्म के हीरो हैं, आपसे शुरुआत करते हैं। आप तो गुस्से में देख रहे हो सर। तो आपको रोमांटिक डायलॉग बोलना है, फिर कैटरीना सिलेक्ट करेंगे कि कौन जो है उस फिल्म में हीरो आएंगे। आइए सर डायलॉग कौन सा है? देखिए डायलॉग अपने दिल से जो भी आपका मन है। अभी आप भूल जाइए आपके दोस्त देख रहे हैं, कैमरा देख रहा है, छा जाओ आप। मैंने इतना शाही कानून पहले कभी नहीं देखा। सर आपको डायलॉग बोलना है कि तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां आगे तेरी जुल्फों की तेरे आंखों की नमकीन मस्तियां अरे मुझे डरा रहे हैं। एक बार फिर से मजेदार था। हाँ तेरे आंखों की नमकीन मस्तियां तेरी जुल्फों की बेपरवाह अंगड़ाइयां तेरी जुल्फों की बेपरवाही अंगड़ाई नहीं भूलूंगा मैं नहीं भूलूंगा मैं जब नहीं तक भूलूंगा है जान। जब तक है जान जब तक है जान जब तक है जान जब तक है जान क्या बात है सर बहुत बढ़िया। आइए सर अब आपकी बारी। ऐसा लग रहा है ना मुजरिम को धमकी दे रहे हैं। ये अगर तूने हाना की देख लूंगा तेरे को। आइए सर ओए माइक ले लीजिए सर। करण सर से एक डायलॉग ले लीजिए। करण सर आप बोल दो कुछ कुछ होता है कैटरीना तुम नहीं समझोगी। हाँ कुछ कुछ होता है इतनी दूर से नहीं इतनी दूर से क्या कुछ होगा सर। आइए यहाँ पे आइए सर थोड़ा ऐसे जैसे शाहरुख खान करते हैं वो वाला कुछ कुछ होता है कैटरीना कुछ कुछ होता है कैटरीना तुम नहीं समझोगी। और दूसरा हाथ कहाँ गया शाहरुख खान का? माइक पकड़ रहे हैं माइक तो डंडा हाथ में आने ही वाला है। वेरी गुड सर वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस। आइए सर सिंघम धन धन क्या बात है सर मुझे बड़ी कमाल की रखी सर आपने। आइए सर जो आपका मनो डायलॉग जो आपको याद हो। शादी तुड़वा गया तू मेरी बीबी पुलिस ऑफिसर है मेरी डायलॉग बोलो। बड़े बड़े देशों में कैटरीना ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। हाँ बड़े बड़े देशों में कैटरीना ऐसी छोटी बातें होती रहती है। क्या बात है छाने आप वाह। आप आइए ये आपके दोस्त हैं मुजरिम लाएं साथ में। आपके लंबे बाल आप संजय दत्त का डायलॉग बोलो। ए मां 50 तोला बोल दो। नहीं नहीं आप शाहरुख खान वाला बोलो रोमांटिक डायलॉग जो भी डायलॉग। हम एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं शादी भी एक बार होती है और प्यार भी पुलिस भी गोली एक ही बार मारती है। एक मर्द का सर सिर्फ 3 औरतों के सामने झुकता है देवी माँ अपनी माँ और एक वाह वाह वाह। क्या नाम है आपका ब्रदर? हितेश। हितेश बियानी। हितेश कहाँ से आए आप? मुंबई से।
मुंबई से ही आए? Yes. अच्छा जी, आइए हितेश, बहुत अच्छा बोला आपने. थैंक यू. शुक्रिया. आइए सर. डायलॉग रोमांटिक डायलॉग रोहित, माय नेम रन आउट. रोमांटिक डायलॉग मैं बोलूं? यू आर सिटिंग. डायलॉग रोमांटिक. मैं आईने में अपना चेहरा भूल सकता हूँ, तुम्हारा नहीं. वाह. मैं नजदीक जाके, नजदीक जाके और नजदीक जाइए ना सर. हीरोइन है आपकी? ठीक है. हीरोइन है? मैं आईने में अपना चेहरा भूल सकता हूँ लेकिन तुम्हारा कभी नहीं. आपका FIR हो गया. आइए. बहुत इमोशनल. थैंक यू सर. थैंक यू. आपको करना है, बोलना है कि घर जाना है? Give them some dialogue. बोलो कटरीना कैफ को बोल दो एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है. हाँ. और रिश्तों की तरह ये दो लोगों पहले में नहीं. पहला लड़ने. एक तरफा प्यार की बात ही कुछ और होती है. ये और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बटती. ये और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बटती है. मुझे कुछ सिखा रहे हैं अभी. मेरा हक है, सिर्फ मेरा. इस पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा. बाय बाय. बाय बाय नहीं करो. आप लोगों को इतना अच्छा मौका मिला था कैटरीना के साथ रोमांस करने का. आपने पता कैसे बोला, जैसे मैं महिला मित्र मंडल से आया हूँ. हम लोग एक भंडारा करा रहे हैं और आपका जो सहयोग दे सकते हैं. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. शुक्रिया. धन्यवाद धन्यवाद. थैंक यू सर. थैंक यू. शुक्रिया सर. ये अफवाहें आई हैं कुछ मार्केट में. तो आपको पता है हम तो सामने से कंफर्म करते हैं, ऐसे बिलीव नहीं करते हम सूत्रों के अनुसार खबरों पे. रोहित सर, आपके बारे में ये अफवाह फैल रही है कि जो लोग पुलिस की नौकरी में भर्ती होने जाते हैं और नहीं हो पाते वो फिर आपके ऑफिस आ जाते हैं. उनको लगता है कि आप कुछ ना कुछ तो बना ही देंगे. तो इज इट ट्रू सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. तो ये अफवाह है, इसलिए हम क्लियर करते हैं. करण सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपने सूर्यवंशी फिल्म इसलिए प्रोड्यूस की क्योंकि आपको अच्छा लगता है जब पुलिस कहती है कि हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अपने आप को हमारे हवाले कर दो. कटरीना, आपके बारे में ये अफवाह है कि अक्षय पाजी आपको अपने पापा जैसे लगते हैं. पापा? और इसमें ट्रू भी लिखा हुआ है. आपने कभी उनको बोला है? Sometimes. No. ए अफवाह है? ओके. रोहित सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको एक्शन इतना पसंद है कि आप जब किसी दो इंसानों को लड़ते हुए देखते हो तो उनको रोकने की बजाय डायरेक्ट करने लगते हो कि ऊपर से मार नीचे से मार. ऊपर से मार नीचे से मार नहीं होता, लेकिन एक दो बार ऐसा हुआ था पहले बहुत कि मैं खड़े होकर देख रहा था कि यार मतलब पंच मिल जाता है ना, कि मतलब रियल फाइट हो रही तो कैसा. हम लोगों को तो आदत हो गई उन सब चीज़. हाँ. तो मैं खड़े रहकर ऑब्जर्व कर रहा था. दूसरा बोला रे बचाने जाना है हम लोग ऐसे थोड़ी. तो मतलब नहीं पंच मिल जाएगा ऐसा कैसे हो रियल में दो चार नए. अच्छी बात है, फोकस है आपका काम के ऊपर. दो लोग लड़ मर रहे हैं कोई परवाह नहीं, मैं देख रहा हूँ कैसे नई चीज क्या निकल रही है. कटरीना, एक अफवाह है कि आपको अपना नाम सुनना इतना पसंद है कि आजकल शूटिंग के टाइम डायरेक्टर कट नहीं कैट बोलते हैं. बैड बैड जोक, बैड जोक. इट वाज नॉट अ जोक, इट वाज अ रूमर. इट्स अ रूमर, इट्स अ रूमर, नॉट अ जोक. रूमर विद लिटिल बिट ह्यूमर, नॉट एक्चुअली. या इट्स अ रूमर विद ह्यूमर, दिस इज अ गुड वन. ओके, तो ये अफवाह है. करण सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि सोनम कपूर की जब शादी हुई तो आपने डांस किया था प्रेम रतन धन पायो पे और उस गाने पे डांस करने के बाद आपकी कमर में लचक आ गई थी. वो बचपन से आई है मेरे कमर में लचक. मेरे पैरों में थरथराहट और कमर में लचक तो बचपन से आई है. करण सर, एक अफवाह है कि बचपन में जब भी आपको कोई किसी गाने में डांस करने को बोलता था आप डफली वाले डफली बजा पे करते थे. ये अफवाह है कि सच है? हाँ, ले वो गाना मुझे बेहद, मैंने जो सरगम पिक्चर देखी थी तो मैं चिंटू जी का तो बहुत बड़ा फैन था तो ये गाना तो मेरा फेवरेट बन गया. ओके. तो रोज पापा बोलते थे नाचो, लेकिन मैं सिर्फ जया प्रदा के पार्ट्स करता था. अच्छा. और पापा को लगता था कि बड़ा नॉर्मल है. रोहित सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप सूर्यवंशी के प्रमोशन के लिए तो आए ही हो, साथ में आप ये भी चेक करने आए हो कि सामने वाली कुर्सी पे बैठने का कितना स्कोप है. मैं तो बाहर ऑलरेडी डील चालू कर दिया अर्चना. अच्छा. तो इसी के साथ ही हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं सर. धन्यवाद.
Mate, it's all right. Hey, how you doing? How you doing? Yeah, like it. Kapil Sharma, tu pakalo ye chalo aur se ghir liye police ne. Tu khud soch, tujhe koi charo taraf se ghir sakta hai? Tune khud apne aap ko aatho taraf se ghira hua hai. Bro, ye apna apna swag hai, bro. Ye wardi mein acche lagte hai, main charbi mein acche lagte hai. So I'm main Bachcha Yadav hai. I live in London, yeah? Yeah. And that my brother Bachcha Yadav lives there. But I am like, I can't believe my eyes ke aap sab log idhar mere aankhon ke samne hai. I must say, Archana, can you see that? Yeah. That's Roy Chetty in the house. In the house. Whoa. That's Corin Jarre in the house. Yo. Katrina Kaif in the house. Yes. Achha, tujhe pata hai, sab yahan pe Suryavanshi ki promotion ke liye aaye. Toh main kaun sa Chandravanshi ke promotion ke liye aaye? Main I'm like really dedicated for your promotion. Main mazak nahi kar raha. Aap dekhenge? Kaise? Surya. Jungle ko kya bolta hai Hindi mein? One. This is she. Surya. One. She. You. Yeah. Main. Sir, agar ye mota chahte to isa haath hilate hue khali aadmi aa sakte the, lekin nahi. Aaj main puri tarah aapke promotion ke liye apne aap ko wo kar raha hai. क्या बोलते कपूर शर्मा अगर आपका बाथरूम में ओल्ड शावर खराब होते तो उसको हटा के आप क्या लगाते न्यू शावर मैं अपने आप को न्यू शावर कर रहे हैं आपके प्रमोशन के लिए न्यू शावर आपको कपूर शर्मा पता है व्हाट इनके जो फिल्म आ रहे हैं वो लगातार थिएटर में 24 घंटे क्यों चलने वाले हैं क्योंकि ये पिक्चर पुलिस पे है और पुलिस अपना ड्यूटी 24 घंटा हमारे लिए करते हैं मतलब सच में आपके इस जज्बे को मैं सलाम करते हैं लेकिन सर मैं आपके बहुत बड़े फैन है लाइक रियली यू नो जस्ट यस्टरडे मैं जैसे सुबह पौ फटते ही उठे थे तभी मैं उठते ही आपका वो फिल्म देख रहे थे मैं फिल्म का नाम भूल रहे हैं मैं एक मिनट उसको टूटल करेंगे टूटल नहीं गूगल नहीं नहीं वो सबके लिए गूगल होते हैं इनके लिए टूडल ही होते हैं मैं देखे आपके वीडियोस टूडल्स नहीं लेकिन अभी मेरे को करने की जरूरत नहीं मैं फिल्म का नाम याद आ गए इट्स कभी गम कभी खुशी कभी गम मैं जब फिल्म देखने गए मैं बहुत गम में थे देख के मुझे खुशी हुई तो मेरे लिए कभी गम कभी खुशी मैं कुछ भी बोले आपके कुछ कुछ में कुछ कुछ क्यों होते हैं क्या ब्रो लेकिन मैं सच में बोल रहे हैं सर आप जैसे ड्रेस करते हैं ना इट्स टू कूल है आप बहुत क्लासीस्ट अर्चना जी इसको देख के इनको इधर देख के इसको बोलते क्लास मतलब कोई जोक भी होते हैं तो उस पे जरा मुस्कुराते हैं हल्का हल्का हंसते हैं ऐसा चिल्ला के नहीं हंसते ऐसा नहीं हंसते मैं सर मजाक नहीं कर रहे हैं अभी थोड़ा टाइम पहले दूसरा इधर हम शूटिंग कर रहे हैं दूसरी जगह अपना India's best dancer नाम का शो का शूटिंग चालू थे ये इधर इतना जोर से चिल्ला के हंसे कि उधर टेरेंस का लुइस हिल गए एक और बात से आप लोगों को मैं चूसित करना चाहेंगे अबे चूसित नहीं सूचित हाँ तो वही मैं बोले चूसित करना चाहेंगे अबे सूचित हाँ चूसित सूचित सूचित अरे चूसित यार हाँ चूसित हाँ मैं आप लोगों को चूसित करना चाहेगी कि मैं अपना खुद का बैनर स्टार्ट कर रहे हैं फिल्म के और उसके तले मैं अपना सबसे पहला फिल्म बना रहे हैं प्रणाम पंजाब ये कैसी फिल्म है मैम ने नमस्ते लंदन के तब आप नहीं पूछे ये कैसी फिल्म है मैं इधर प्रणाम पंजाब बना रहे है तो आपका कुलचा क्यों जल रहे है ब्रो तो प्रणाम पंजाब में क्या होगा फिर मैं आपको बताती हूँ प्रणाम पंजाब में होगे क्या सर आपका निर्देशन मेरे को चाहिए फिल्म में अच्छा आप सर ये फिल्म क्या है बेसिकली ये कपूर शर्मा ये शो में जितना भी पंजाब से लोग लेके आए हैं ना आप उनको ऐसा लाइन में खड़ा करेंगे फिर उनका कान के नीचे अपना हाथ ऐसा छोड़ेंगे फिर उनसे मुंबई को प्रणाम कराएंगे और उनको ले जाके पंजाब छोड़ेंगे ये कैसी फिल्म है ये खुन्नस जॉनर का फिल्म है It's a new genre called khunnas. Like in Lord, sir, I'm like a huge fan. मैं आपके काम का बहुत वो करते हैं अपना क्या वो माटुंगा के बहुत कौन सा स्टेशन आते हैं? दादर. मैं आपके काम का बहुत दादर करते हैं. दादर नहीं आदर होता है. आदर होता है.
मैं दादर जाके इनका आदर करते आपके माटुंगा में क्यों दर्द होते यार कैटरीना जी मैं बोलेंगे आप बहुत खुशबूरत है आपको देख के मेरा दिल दिया गल्ला निकल गए मतलब यू सो ब्यूटीफुल आप हुस्न के वो है हुस्न के वो कपूर शर्मा कोई गार्डन में ऐसा प्लांट्स प्लांट्स पौधा सब खराब हो जाते हैं तो किसका गलती है वो मालिका मालिका तो आप हुस्न का मालिका है मैं अपना मन से वो वाला बात आपको बोलने चाहेंगे वो मन का वो होते हैं वो ए कोच में ऐसा ऑर्डर ऑर्डर कौन बोलते हैं जज हाँ तो मैं जज बात मैं अंदर का जज बात आपके सामने प्रकट करना चाहेंगे सो इफ यू डोंट माइंड क्या मैं वो 300 मैजिकल वर्ड्स आपको बोल सकते हैं तीन मैजिकल वर्ड होते हैं अच्छा ब्रो मैं अक्षय कुमार नहीं है कि तीन मैजिकल वर्ड्स में लड़की पटेगा मेरे से 300 में पटेगा मेरा जैसा मोदक जैसा आदमी उसको कम से कम 300 वर्ड लगते तब जाके लड़की ना बोलते है अच्छा पुलिस सामने बैठी हुई है तो और तू फ्लर्ट कर रहा है जेल में डाल देंगे तुझे ब्रो तुम्हारा ये बात का ना जवाब मैं नहीं देंगे इसका जवाब दे सकता है सिर्फ वो कमीना कौन ये बात का जवाब देगा ये देंगे इसकी जवाब देने वाली शक्ल है नहीं इसकी जवाब लेने वाली शक्ल है कप्पू शर्मा yes. इतिहास गवाह है कि चंदू ने जब जब भी मांगा है अपने फैन से मांगा है और अपने हक का मांगा है लेकिन इसका जवाब तुम्हें कोई अपना पर्सनल बंदा ही दे सकता है क्या सिम्बा जो सिम्बा का तो मलिंगा आ गया हुआ क्या है पुत्र बताओ हुआ क्या है इसको जवाब दो इसने मुझे मांगने वाला कहा है पुत्र जवाब देने के लिए हमने एक बंदा रखा हुआ है हमारा आखिरी हथियार बुलाऊं उसको क्या? आ जाओ भाई ए तुम लोग पैसे क्यों इकट्ठे हुए इधर सारे नहीं इनका फिल्म में जैसे एंड में सब लोग साथ में इकट्ठे होते हैं तो आपकी फिल्म के लिए आज हम लोग सब साथ में इधर इकट्ठे हुए हैं और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है आप सब साथ में इकट्ठा होकर थिएटर में जाके फिल्म देखिए सूर्यवंशी हो जाए करण सर रोहित सर और कैटरीना के लिए और जोरदार तालियां हमारे पुलिस वाले दोस्तों के लिए थैंक यू सो मच थैंक्स अ लॉट थैंक यू कैटरीना थैंक यू रोहित सर थैंक यू करण सर एंड ऑल द बेस्ट फॉर सूर्यवंशी और उसके बाद और भी जितनी फिल्में बनाए उन सब के लिए आपको ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच थैंक यू और आप सब भी यूं ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो गुड नाइट शबा खैर थैंक यू सो मच फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़